हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मॉम चैलेंज। आज मेरी मम्मी बनाने वाली है सरसों के साग का सैंडविच। आपको सीखना है तो चलो हमारे किचन में। फ्रेंड्स, हाँ, ये है सरसों का साग बना हुआ। इसका बहुत ज्यादा टेस्टी सैंडविच बनता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। ये साग ले लिया है मैंने थोड़ा सा, और इसमें मैंने बारीक प्याज थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और साथ में हरी मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो इसमें टमाटर के भी छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सैंडविच में पसंद है। आप चाहें तो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च के भी टुकड़े ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं अपनी बेटी के लिए बनाने वाली हूँ, जिससे टमाटर और कैप्सिकम वगैरह नहीं पसंद, तो सिर्फ इतनी ही चीजें मैंने इसमें डाली है। उसके साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक और गरम मसाला आपको डालना है। अगर आप नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा ब्लैंड बनेगा आपका जो सैंडविच है, ज्यादा करारा नहीं बनेगा। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये सारी चीजें साग में डालने के बाद आप उसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए, और एक तवे को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद आप इस तरीके से इसे सैंडविच जो है उसे टोस्ट कर लीजिए। अगर आपको ऑयल नहीं डालना है तो आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। बटर तवे पे लगाइए, ब्रेड पे लगाइए, और इसे इस तरीके से सेक लीजिए। चाहे तो आप बटर जो है सैंडविच के अंदर भी स्प्रेड कर सकते हैं, और भी ज्यादा मजेदार और टेस्टी लगता है। जो इसका स्वाद है वो दुगना हो जाता है बटर लगाने से। पर ऐसा नहीं है कि ऑयल वाले अच्छे नहीं बनते, तेल वाले भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास सैंडविच टोस्टर है घर पे तो आप उसमें भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल है तो उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन वैसे सबसे आसान और इजी तरीका यही है कि आप इसे तवे पे बनाइए, झटपट बन जाता है, कोई प्रॉब्लम कोई झंझट नहीं होता। बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है ये। हल्की फुल्की भूख लगी है, बच्चे नहीं मान रहे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस वक्त आपके पास साग या फिर कोई भी सब्जी अगर फ्रिज में पड़ी है तो उसमें एक्स्ट्रा प्याज डालिए, टमाटर डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक और मसाला डालिए, इस तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए और तवे पर उसे फटाफट बना के खाइए। केचप ले लीजिए या कोई भी चटनी ले लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आनी ही चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्विक रेसिपी है। प्लस सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।